महिलाओं का विशेष कर ध्यान रखा है। आप देखिए, हम रात में 10 बजे भी स्टेशन पे मैं अगर उतरती हूँ, 11 बजे भी, तो मैं अपना घर सुरक्षित आती हूँ। मुझे कहीं कहीं एक भी हल्का सा कहीं किसी तरीके की छेड़छाड़ या किसी तरह की कोई टिप्पणी, किसी तरह का कोई ऐसा वातावरण नहीं दिखता जो इससे पहले दिखता था। मैं यहीं पली बढ़ी हूँ, यहीं एजुकेशन प्राप्त किया है, और मैंने वो दिन भी देखे हैं कि हम रिक्शे पे चलते थे और हमारे पीछे लोफर सीटियां बजाते और टोंड कसते चलते थे, और कितनी भी तरीके की वारदात हैं जो न्यूज़पेपर और टीवी के माध्यम से आप सभी देखते हैं। लेकिन इन 5 सालों में मैंने देखा है कि लड़कियां अपनी स्वतंत्रता से कहीं भी आती जाती हैं, उन्हें किसी तरह का कोई भी ऐसा वातावरण या भय नहीं है। तो ये मुद्दा सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा मुद्दा हम औरतों के लिए यही है कि भाई हम सुरक्षित हैं, कहीं भी जा रहे हैं, रात में, सुबह, शाम, किसी भी, अकेले ही हम अपने बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं, अकेले ही आते जाते हैं, लेकिन कहीं भी हमने ऐसा डर का माहौल या इस तरह की कोई भी गलत हरकत अपने साथ नहीं होते देखा। तो इससे बड़ा और महिला को क्या चाहिए? अगर हमें बहुत सी चीजें अच्छी चाहिए तो कहीं कहीं हमें समझौता करना पड़ेगा। थोड़ी सी महंगाई है अगर, तो वो हमें चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें सुरक्षा चाहिए, सड़क व्यवस्था चाहिए, साफ सफाई चाहिए, चारों तरफ भय का माहौल जो है वो नहीं चाहिए। तो इसमें अगर हमें थोड़ी सी कहीं अप्स एंड डाउन होता है तो वो चलेगा।